एमपी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने पिता से ही अपनी जान का खतरा बताया है। इस वीडियो में विधायक की बेटी कैमरे पर कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और उनके पापा इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आप भी सुनिए क्या कह रही हैं विधायक की बेटी। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे, काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें। और कोई बात हो आपकी तो आप कह सकते हैं। और कुछ नहीं, बस। चलिए, थैंक यू। आपको बता दें कि विधायक राजेश मिश्रा की बेटी का नाम साक्षी है और इसी महीने की 4 तारीख को उसने अजितेश कुमार नाम के युवक से मंदिर में शादी की थी और उसके पिता इस शादी के खिलाफ हैं। हालांकि इस पूरे मामले में विधायक राजेश मिश्रा ने News24 को जानकारी दी है कि उनकी बेटी बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी। और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जा रहे हैं, जो गरीब कन्याओं की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी मुझे इससे कुछ नहीं कहना, वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बालिग हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है भाई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वो लड़की को सुरक्षा देने को तैयार है। सोशल मीडिया की मदद से हम लोग भी जानकारी में आया, दो एक लड़का लड़की दोनों ने हमको सुरक्षा, हमारे पापा से खतरा इस तरह उन्होंने वायरल किया है और हमने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमसे लिखित एप्लीकेशन मांगेगी हमको उनका जान का खतरा बोला, हम 100% उनको सुरक्षित दिलवाएंगे। अभी हम लोग उनका तलाश रहा है, वो हमारे सामने वो नहीं आया, केवल वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगा है। 100% उनको सिक्योरिटी देंगे, हम उसके लिए हम तैयार है। और हमारा फोर्स, जो लड़का शादी किया उसके घर पर भी हमने पिकेट लगाया, उसके घर पर भी हम प्रोटेक्शन दे रहा हूँ और आगे हम कार्रवाई करेंगे, जो निजी कार्रवाई होगा वो आगे करेंगे। वहीं आपको बता दें कि विधायक की बेटी का आज एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो एक बार फिर अपने पिता से जान का खतरा बताते हुए सुनाई दे रही है। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने भेज रखे हैं ना मेरे पीछे जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो, मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी, ये चीज़ ध्यान रखना।
और बरेली के मंत्री सांसद एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज़ पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूँगी उनके साथ, प्लीज़। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद।